स्टार्ट करते हैं पेपर से, देखते हैं कितनी देर में होता है। 1 घंटे का हमारे पास टोटल टाइम है, जिसमें जितना पेपर हो चुका है वैसे बाकी ए टू बी क्लास भी स्टार्ट करनी है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है अक्टूबर नवंबर 2021। When designing computer system, it is important to consider security, integrity and privacy of the data. अच्छा, डिफरेंस कोई मुझे बता सकता है बिटवीन सिक्योरिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी? डेटा इंटीग्रिटी इज द कंसिस्टेंस ऑफ डेटा एंड करेक्टनेस ऑफ डेटा इंश्योर कर, ठीक है। और अपना सिक्योरिटी सर प्रोटेक्ट करता है डेटा को। सिक्योरिटी का मतलब हो जाता है बेसिकली कि आपका ये कहा जाएगा कि डेटा की प्रोटेक्शन क्या है, मतलब कोई अनऑथराइज यूजर उसको एक्सेस ना कर सके। जबकि इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आपका जो डेटा डेटाबेस में जो मौजूद है वो ठीक होना चाहिए, मतलब करेक्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। दिस द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। तो दीज आर दी मेजर्स, ड्रॉ वन लाइन फ्रॉम ईच मेजर टू इंडिकेट व्हेदर इट कीप्स डेटा सिक्योर और प्रोटेक्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। तो ये जब तक आपको सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा, यू कैन नॉट सॉल्व दिस। फायरवॉल इज सिक्योरिटी और डेटा इंटीग्रिटी? फायरवॉल सिंपली आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज एक्सेस से, सो इट विल बी डेटा सिक्योरिटी। डबल एंट्री, डबल एंट्री का मतलब होता है जैसे आपके पास पासवर्ड एंटर करते हैं तो उसके बाद कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आता है। दैट मींस कि आप चेक करवा रहे हो कि जो आपने डेटा डेटाबेस में एंटर किया है वो पहले वाले से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, सो दैट विल बी डेटा इंटीग्रिटी। प्रेजेंस चेक, प्रेजेंस चेक नॉर्मली आप इसे प्राइमरी की में लगाते हो ताकि प्राइमरी की कैन नॉट बी ब्लैंक। तो यहाँ पे अगेन आप क्या करोगे, आपका डेटा मौजूद रहेगा क्योंकि प्राइमरी की से आप तकरीबन अपने रिलेशंस वगैरह बना रहे होते हो, तो अगेन दिस विल बी डेटा इंटीग्रिटी। एक्सेस राइट्स, वली बेटा एक्सेस राइट्स विल बी डेटा इंटीग्रिटी और डेटा सिक्योरिटी? एक्सेस राइट्स डेटा सिक्योरिटी में आते हैं। इट विल बी डेटा सिक्योरिटी कि आप अपना, जैसे यहाँ पे ये मैं अपना लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, इसमें मैं 2-3 और अकाउंट्स बना दूँ ताकि हर एक बंदा अपने हिसाब से उसको यूज कर सके, उन सबको एक डिफरेंट राइट्स गिवन होंगे। डेटा सिक्योरिटी। पासवर्ड अगेन अनऑथराइज एक्सेस से बचाएगा आपको, सो ये इट इज ऑल्सो डेटा सिक्योरिटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, उससे और सिंपल एक और चीज आ गई। कंप्लीट द सूटेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉजिक गेट्स। ये कौन सा गेट है अहमद, विच गेट इज दिस? नॉर, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नॉर? Opposite of OR. So, and what is the function of OR? OR basically adds up the things. So this is OR, which is adding up, and this is the opposite. Okay. So we need to add an opposite. 0 plus 0, 0, opposite 1. 0 plus 1 is 1, opposite 0. 1 plus 0 is 1, opposite 0. And 1 plus 1 is 1, again, opposite 0. I guess yahan par to kisi ko bhi issues nahi aane chahiye the. अगर किसी का लॉजिक गेट वीक है प्लीज उसे प्रैक्टिस कर लो। एंड ये दिस इज नैंड गेट, तो आपने सिंपली नैंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड देन ऑपोजिट। 0 0 0 ऑपोजिट 1, 0 1 1 ऑपोजिट, सॉरी 0 1 0 ऑपोजिट 1, 1 0 0 ऑपोजिट 1, 1 1 1 एंड ऑपोजिट 0। एक एक मार्क के इसमें दोनों आपको ट्रुथ टेबल सॉल्व करने के लिए दे दिया था। गिविंग यू आई एम गिविंग यू
2 minutes to solve this. Jaldi se, quickly. सिंपल सा प्रोग्राम था ये, आपसे ये इसने एंड सी, तो ये पहले तो आपकी काम करते हैं, हम अंदर वाले इसमें से ले आते हैं ए एंड बी, लेकिन उसका नॉट है. ओके, तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए एंड बी और उसको क्या कर देना है, हमें नॉट कर देना है. सेम ये किससे कनेक्टेड है, ये आपके पास कनेक्टेड है एंड सी से. तो आपने एन सी बनाया, अगेन उसका भी क्या है, नॉट है. ये तो सिंपल सा बना प्रोग्राम था. अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, वैसे कोशिश किया करो, वाली ऐसे एग्जामिनर आपसे क्या देता है, डू नॉट सिंप्लीफाई, अगर तो आपने इसे ऐसे बनाना है. बट एज यू कैन सी दिस होल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड with a NAND gate, क्योंकि ये भी N के equivalent है, ये भी N के equivalent है, तो दो NAND बना दो program, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि already आपके पास सिर्फ दो ही marks हैं, तो NAND gate से ही इसको किया जा सकता था. आगे चले. Okay, Andy likes to play computer games. Andy uses several input devices to play the games. These include a keyboard and a microphone. Describe the principal operations of a microphone. मतलब ये वाला chapter जो है, again आपको read out ही करना है, तब जाके आप easily से कर सकते हो. अब इसमें आपको simply क्या करना है, आपको बताना है describe the principal of a microphone. सबसे पहले तो आप बता दो कि microphone में होता, याद रख लो कि microphone में क्या क्या होता. Microphone में सबसे पहले होता है आपके पास diaphragm. स्पेलिंग ठीक है डायफ्राम की. आपके पास होती है कॉइल, आपके पास होता है परमानेंट मैग्नेट, और आपके पास एक आ जाता है कॉइल हो गई, परमानेंट मैग्नेट हो गया, फोन आपको लिख सॉरी एडीसी. तो ये बेसिकली सारा प्रोग्राम, ये काम ही एडीसी का होता है, कॉइल से परमानेंट मैग्नेट के सिग्नल्स वगैरह जनरेट करना वगैरह. नहीं, इसमें अगर आप कोन लिखना चाहो तो वैसे कोन इसमें नहीं होता, स्पीकर्स में आ जाता है आपके पास. अब ये काम कैसे करता है, सही, पहले तो आपने लिख दिया कि द कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोफोन आर डायफ्राम, कॉइल, कॉइल एंड परमानेंट मैग्नेट. नाउ एज साउंड वेव्स head diaphragm, it causes diaphragm to vibrate causing permanent magnet to move to and fro. आगे पीछे मूव करता है. Due to this movement, a current is generated in the coil. A software is used to store the sound. That's it. आपके पास वही फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट है. अगर आपने सबने किसी ओ लेवल्स में फिजिक्स पढ़ी थी तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे पूरा माइक्रोफोन में भी यही हो रहा था, इसका उल्टा प्रोसेस कर दो तो आपके पास आपका स्पीकर का प्रोसेस आ जाएगा. एंडी प्लेज सम ऑफ द कंप्यूटर गेम्स ओवर द इंटरनेट. ही हैज सेवरल डिवाइसेस दैट कनेक्ट वायरलेसली टू द राउटर इन हिज हाउस. आइडेंटिफाई द टोपोलॉजी ऑफ एंडीज होम network, justify your choice.
अब यहाँ पे देख लो कनेक्ट वायरलेसली टू द राउटर, एक ही हमने टोपोलॉजी पढ़ी थी जिसमें सारी डिवाइसेस डायरेक्टली राउटर से कनेक्ट हो रही थी, याद है? कुछ इस तरह एक डिवाइस थी, उसमें पोर्ट्स बनाए थे और ए बी एंड सी डिवाइसेस। तो कौन सी टोपोलॉजी डायरेक्टली राउटर से कनेक्ट करती है? आपकी स्टार टोपोलॉजी। क्यों? राउटर के साथ इंडिपेंडेंटली वो क्या कहते हैं कनेक्ट होती हैं डिवाइसेस। ऑल डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू टू राउटर। ये आपका हो गया। The router has a wireless access point to allow the device to connect wirelessly. I guess wireless access point के मैंने कुछ functions इससे पहले भी लिखवाए थे। आप में से किसी को याद है? Basically ये आपसे router के functions पूछ रहा है। Identify three functions of router in ND's network. राउटर का सबसे पहला काम क्या होता है? टू रिसीव पैकेट्स फ्रॉम द डिवाइस ऑन नेटवर्क और टू फाइंड द shortest route to the destination, सबसे best possible निकालता है। shortest route से ज्यादा आप लिख सकते हो कि best route, क्योंकि shortest route में हो सकता है traffic ज्यादा jam हो, तो वो best route निकालता है जो fastest होता है। उसके अलावा प्राइवेट आईपी भी आपको कौन देता है? आपको राउटर ही तो देता है। असाइंस प्राइवेट आईपी टू द डिवाइसेस ऑनलाइन और रूटिंग टेबल को मेंटेन करता है, मेंटेन्स routing table और आपका router receive packet from the wireless network कर लिया, best route निकाल लिया, assign private IP to choice plan, maintains routing table। मैं जरूर तो फिर और नहीं आ रहे हैं, और किसी का और किसी कोई कुछ आ रहा है? ये कुछ तीन चार काम कितने करने हैं? चार काम लिख लिए जो आपका राउटर नॉर्मली करता है। मैशाल वली अहमद कह रहे ये चीजें। यस सर। छोटा सा क्वेश्चन। ओके आपके पास कन्वर्जन्स आ गई हैं, थोड़ा क्विकली में लेके चले जाऊंगा। A register stores the following number, this. The binary value in the register represents an unsigned binary integer. Unsigned का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी bit है वो positive है, negative नहीं है। Convert the unsigned binary integer into binary. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128. आपके पास total आपको find out करना है। ये चेक कर लो, 32 + 16 = 48, 48 + 2 = 50, 255 में से 50 माइनस कर दो तो 205 आ जाएगा। ये आप देख लो आप कितने एफिशिएंटली काम कर सकते हो। मैंने क्या किया, मुझे पता था कि 8 बिट का सम क्या होता है, दैट इज 255, जिसमें से कौन कौन से बिट ऑफ है। 32 + 16 = 48 + 250
तो जब मैं माइनस 50 कर दूंगा तो मुझे पता है मेरा आंसर टोटली एग्जैक्टली डायरेक्टली 205 आ जाएगा, एडिशन करने की जरूरत ही ना पड़े। द बाइनरी वैल्यू इन द रजिस्टर रिप्रेजेंट्स अ टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी इंटीजर। अब इसने क्या कहा, ये कहता है कि मेरे पास टूस कॉम्प्लीमेंट है। टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, अब जो 128 है ये नेगेटिव 128 है। नाउ आई नीड टू फाइंड इट। अब कैसे आप ढूंढोगे, अगेन वही 64 प्लस 8 72 76 77 माइनस 128 प्लस 77 8 1 ये आपका जीरो हो जाएगा 12 51 नेगेटिव। तो आपके पास टोटल ओवरऑल आंसर क्या आएगा, दैट विल बी नेगेटिव 51। इसने एक ही क्वेश्चन में सारे काम करवा दिए। अब ये आपसे पूछता है के the binary value in the register represents a hexadecimal number. Hexadecimal का मतलब क्या हुआ, आप right side से 4-4 के pairs बना दो, 4-4 के pairs बन गए 1 2 4 8 1 2 4 8, so 8 plus 4 12, 12 किसके equivalent होता है C के, 8 plus 4 is 12 plus 1 13, 13 is equivalent to D. इसका फाइनल आंसर आ जाएगा सी एंड डी। एनी क्वेरीज, द बाइनरी कंटेंट्स ऑफ टू रजिस्टर आर दिस दिस, एट द कंटेंट रजिस्टर एंड शो योर वर्किंग। बट आपको वर्किंग जब शो करने का वो कह दे तो आप सिंपली लिख यहाँ पे उसको शो करवा दो 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 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
वन कैरी वन वन कैरी वन एंड जीरो दिस इज योर फाइनल आंसर 0110 1010 कैरी कहाँ का आया आपको ये पता होना चाहिए था एडिशन याद है वन प्लस वन गिव्स यू जीरो एंड वन कैरी व्हाइल ट्रिपल वन गिव्स यू वन एंड वन कैरी ये फर्क है डबल वन में ये आता है अब वो आप डबल वन और ट्रिपल वन से याद रख लो जीरो जेड बीच में जो भी आ रहा है सब्ट्रैक्ट द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रजिस्टर वन शो योर वर्किंग सब्ट्रैक्शन किस किस को याद है एग्जैक्टली आप क्या करोगे सिंपली सीधा सीधा अपने इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में ले जाओ टूज कॉम्प्लीमेंट में सीधा से ले जाना राइट साइड से क्योंकि इसने रजिस्टर वन में से रजिस्टर टू सब्ट्रैक्ट करवाया है ना तो अब रजिस्टर टू को टूज कॉम्प्लीमेंट में लेके जाओगे टूज कॉम्प्लीमेंट ले जाने का सिंपल तरीका क्या था राइट साइड से वन है पहला तो आपने वन लिखा इसके बाद आप जितने नंबर आ गए पहला वन आ चुका है इसके बाद आप जितने नंबर आएंगे उन सबको ऑपोजिट कर दोगे जीरो को वन कर दोगे वन को जीरो जीरो को वन को जीरो वन एंड वन अब सिंपल सिंपल आप क्या करोगे एड अप कर दोगे किसको अभी इसे नहीं करना इसे और इसे करना वन प्लस वन जीरो वन कैरी अगेन एक और दो वन आ गए तो जीरो वन कैरी आ गया अगेन दो वन आ गए तो जीरो
वन कैरी आ गया, अगेन दो वंस आ गए तो जीरो, वन कैरी आ गया। अब वन टू थ्री, तीन वंस आ गए तो वन एंड वन कैरी आ गया, अगेन दो वंस आ गए तो जीरो, वन कैरी आ गया, अगेन दो वंस है तो जीरो, वन कैरी आ गया, अगेन दो वंस है तो जीरो, और जो ये वन कैरी है ये आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि ये आपके बिट से बाहर जा रहा है। सो 000140 इज योर आंसर फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ योर आंसर। ये इस वाले पार्ट के लिए था, तो वही टूज कॉम्प्लीमेंट में आपको निकालना आना चाहिए। ओके, रिया हैज क्रिएटेड द फॉलोइंग लोगो एज अ वेक्टर ग्राफिक। कंप्लीट अ टेबल बाय राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच वेक्टर ग्राफिक टर्म एंड गिव एन एग्जांपल फॉर दिस लोगो। प्रॉपर्टी, सही है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अगर आप में से किसी ने मेरे जब मैंने वेक्टर ग्राफिक्स पढ़ाया था तो उसको वेक्टर ग्राफिक की वो दिखाया था कि वेक्टर ग्राफिक बनाने के लिए हम कोड वगैरह कैसे लिखते हैं, याद है? तो कोड वगैरह में हम बेसिकली क्या बता रहे होते थे कि रेडियस इतना होना चाहिए था, सही है, आप एक्स एक्सिस कौन सा एक्स एक्सिस आपको कितने रेडियस में बनाना है, अगर मैं सर्कल की बात करूँ फिर उसकी बॉर्डर क्या होगी, बॉर्डर का कलर क्या होगा, फिल का कलर क्या होगा। तो प्रॉपर्टी और ड्राइंग लिस्ट के बारे से आपको बताने, तो प्रॉपर्टी क्या बताती है? डेटा अबाउट एन ऑब्जेक्ट, डेटा अबाउट ऑब्जेक्ट कह लो या शेप्स कह लो, बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट्स एंड शेप्स से ही बना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि आप इसकी एग्जांपल दे सकते हो, ब्लैक फिल इन ट्रायंगल, व्हाइट फिल इन रेक्टेंगल, जो भी आप कुछ लिखते हो कि आप अपने शेप के अंदर क्या कर रहे हो, आपने बॉर्डर क्या बनाया है, आपने कलर कौन सा किया, ये बेसिकली प्रॉपर्टी बता रहे हो, सही है। जबकि जब आप बात करते हो अपनी ड्राइंग लिस्ट की, तो ड्राइंग लिस्ट क्या है, ड्राइंग लिस्ट होती है कि आप अपने इसमें शेप्स के बारे में बात कर रहे होते हो, तो आपने कौन कौन से शेप्स यूज किए हैं। तो इट ड्राइंग लिस्ट कंटेन लिस्ट ऑफ शेप्स और ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन एन इमेज। एग्जाम्पल क्या आ गए आपके पास, आपका ट्रायंगल, ऊपर मैंने ब्लैक फिल इन ट्रायंगल की बात की थी तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल को गया, आपका ट्रायंगल आ गया, आपका रेक्टेंगल आ गया, ये सारे के सारे क्या है, ये ड्राइंग लिस्ट में आ जाती है चीजें। Describe two differences between a vector graphic and a bitmap. क्या difference आता है? Bitmap pixelates when resize. Okay. देखो सबसे बड़ा जो major difference जो मैं अक्सर लिखवाता हूँ दोनों में सबसे बड़ा difference है क्या? Why does it pixelates and vector does not? Bitmap is made up of pixels while vector is made up of shapes and objects. ये एक difference आ गया। Second difference, bitmap pixelates when resized while vector does not. तीसरा डिफरेंस, बिटमैप रिक्वायर्स
last storage while vector does not. अच्छा, अगर ये आपसे इसका रीजन पूछ ले तो बिटमैप रिक्वायर्स लास्ट स्टोरेज व्हाई? बिकॉज बिटमैप स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ ईच पिक्सल व्हाइल वेक्टर ओनली स्टोर्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स. ये आपके पास कुछ इसके होते Ria needs to email the photograph. She compresses the photograph before sending it using an email. Describe two lossy methods that Ria can use to compress the image. अब इमेज को कंप्रेशन की बात की जा रही है, सही है? इमेज को कंप्रेशन करने की बात, अब लॉसी आपको करना है, लॉसलेस तो करना नहीं, तो इमेज कैसे कंप्रेस किया जा सकती है? आप या तो रेजोल्यूशन, अब देखो इमेज को कंप्रेस करने के लिए आपको सिंपली क्या पता होना चाहिए, इमेज का फाइल साइज कैलकुलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए. फाइल साइज कैसे कैलकुलेशन करते थे आप? रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ, ये आपका क्या था? फाइल साइज ऑफ एन इमेज था. अब मैं कैसे अपने आप को कम वो मेथड कर सकता हूँ? या तो मैं सबसे पहले रेजोल्यूशन को डिक्रीज कर दूं. रेजोल्यूशन को डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? मैं टोटल नंबर ऑफ पिक्सल क्या कर रहा हूँ? डिक्रीज नंबर ऑफ पिक्सल्स. तो मींस आप कह सकते हो कि रिड्यूस या डिक्रीज इमेज रेजोल्यूशन, या तो मैं कलर डेप्थ कम कर दूं. कलर डेप्थ का मतलब क्या होता था? व्हाट इज कलर डेप्थ वली? बिट डेप्थ होती है. बिट डेप्थ, बिट डेप्थ बेसिकली होता क्या है? कलर डेप्थ. इफ आई आस्क व्हाट इज कलर डेप्थ, तो बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ कलर्स, द नंबर ऑफ कलर्स यूज्ड पर बिट असाइन टू ईच पिक्सल. यस, तो कलर डेप्थ इज नंबर ऑफ कलर्स असाइन नंबर ऑफ बिट्स असाइन टू ईच पिक्सल. आप कह सकते हो यहाँ पे बिट्स असाइन टू ईच पिक्सल. मैं नंबर ऑफ बिट्स अगर कम कर दूं, इससे फर्क क्या पड़ेगा? नंबर ऑफ कलर्स इन ईच पिक्सल विल बी रिड्यूस्ड, सो टोटल आपके पास जो फाइल साइज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. तो आपको यहाँ पे, आप देखो ये सिर्फ चार मार्क का दिया है, पूछे दो मेथड है, तो एक मेथड का नाम बताओ कि रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग रेजोल्यूशन. रिड्यूसिंग रेजोल्यूशन से क्या होगा? Less number of pixels will be stored, so will require less storage. Second, आप लिखोगे आपके पास reduced number of bits कह दो या reduced color depth कह लो, ज़्यादा better रहेगा. तो with the help of the reducing color depth, what will be the effect of on the image? Number of colors in each pixel will be reduced, so it will require less storage. ये दोनों आपने लिखना है. ये आपका लॉसी आ गया. ओह, ये भी आ गया. रिमूव एनी पार्शियल की डिपेंडेंसी. पार्शियल की डिपेंडेंसी कहाँ हटाई जाती थी, याद है? 1 to 2 nf. हम हमारे पास 1 nf से जब 2 nf में जाते थे तो पार्शियल की डिपेंडेंसी. रिमूव एनी रिपीटिंग ग्रुप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स. 0 to 1. सबसे पहला काम ही हम ये करते थे, रिपीटिंग ग्रुप हटाते थे, फिर पार्शियल डिपेंडेंसी हटाते थे, और फिर नॉन की डिपेंडेंसीज आपस में हटाते थे. तो रिमूव एनी नॉन की डिपेंडेंसी,
2NS से 3NS जब जाते थे तो हम यही सारे का सारा काम करते थे। Draw an entity relationship diagram from the database plant sales. उसके लिए अगेन हमें इसे देखना पड़ेगा। देखो प्लांट नेम यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ पे एज अ फॉर्म की एक्ट कर रहा है। मीन्स प्लांट से परचेज आइटम तक क्या बनेगा, 1 to many का रिलेशन बनेगा। मैं यहाँ पे अपनी से बना रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे कस्टमर आईडी एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रही है फॉरेन की इन परचेज टेबल। तो आपने कहा कस्टमर का टेबल की प्राइमरी की परचेज के अंदर एज अ फॉरेन की एक्ट कर रही है। और कोई रिलेशन बन रहा है? परचेज आईडी यहाँ पे प्राइमरी की, तो बेसिकली आपका परचेज की जो है वो ये प्राइमरी की बनेगी, कुछ ये बनेगा। यहाँ पे हम ले आते हैं, हमने कहा परचेज का परचेज आइटम से क्या बन रहा है, 1 to many। परचेज से प्लांट का परचेज आइटम बना, सॉरी परचेज से परचेज आइटम का 1 to many। कस्टमर और परचेज का क्या था, ये रिलेशन। तो ये प्राइमरी की और फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट चलाओगे ना, जिंदगी वाकई में आसान हो जाती है। This shop manager uses database management system. Describe the purpose and contents of the data dictionary. अच्छा, data dictionary होती क्या है? पहले वो देख लो। Data dictionary it stores the metadata, मतलब overall सारा data of the database. तो ये आपने बता दिया, what is the purpose? Now इसमें होता क्या है? It stores field names, क्या क्या fields हैं, क्या क्या table है, primary की कौन कौन सी है, कहीं name of primary keys and foreign keys, what are the data types of the fields, आपने यहाँ पे फॉरेन की वगैरह बनाया तो फिर रिलेशनशिप यहाँ पे शो हो जाएगा प्राइमरी की और फॉरेन की का। इसके अलावा आपने क्या क्या वैलिडेशन यूज किए गए हैं, ये सारा का सारा डेटा डिक्शनरी में होता है। डेटा डिक्शनरी सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बस ये याद रखना है कि डेटा डिक्शनरी के पास सारे का ओवरऑल जो कोर डेटा होता है ना अबाउट द डेटाबेस वो स्टोर्ड होता है, जिसमें आपके पास सारी फील्ड नेम, टेबल नेम, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, the shop manager uses both data definition and data manipulation statements to create and search the database. Complete the DML statement to return the total number of item purchased. Total number of items की अगर बात कर रहा है तो आपको basically सिर्फ sum निकालना है। आप किसका निकालना है देखते हैं। Items purchased with the purchase ID of 3001. तो आप simply यहाँ पे लिख सकते हो where, मैं यहीं से start कर रहा हूँ, where purchase ID is equals to 3011A. okay, कौन से टेबल से उठाना था,
मुझे भी ऊपर से जाकर देखना पड़ेगा। अच्छा मुझे चाहिए बेसिकली आपको सम चाहिए था टोटल क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी और परचेज आईडी, तो आप ये उठाओगे, आपके परचेज आइटम की टेबल से सेलेक्ट सम। मुझे क्या कौन सी फील्ड को सम करना है, क्वांटिटी को सम करना है, उसने अलग ही यहाँ पे कहीं क्वांटिटी का नहीं बताया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पूछे हैं। क्या ये ठीक है वली? ये सब कुछ सही होने के बावजूद मुझे 3 मार्क मिलेंगे, 4 नहीं मिल सकते। क्या मतलब सर? सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें, स्टिल आउट ऑफ 4 आई विल स्कोर 3 ओनली। द रीजन इज दैट परचेज आईडी इज अ वारचार, वारचार हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आती है। Got it? तो ये वाली गलतियां ना करना, देख लेना वारचार है क्योंकि नंबर और वो अल्फाबेट साथ आ रहे हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है अलग अलग, वो मतलब उसको वो मत कर देना बगैर इन्वर्टेड कॉमास, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज है। राइट डीडीएल स्टेटमेंट टू इंक्लूड अ फील्ड इन द टेबल परचेज टू स्टोर द डेट ऑफ ऑर्डर। आपने कहा किसमें करना, ऑल्टर करना है टेबल को, तो ऑल्टर टेबल परचेज, सही, ऐड करना है क्या है, स्टोर द डेट ऑफ द ऑर्डर, तो ऑर्डर डेट और इसकी डेटा टाइप क्या होगी, डेट, ये जो नाम है ना इसको ऑर्डर डेट लिखो, डेट ऑफ ऑर्डर लिखो, ऑर्डर डेट वैसे ज्यादा सूटेबल रहता है, इसके अलावा और कोई जगह सामने आए समझ आए तो देख लेना, नाम कोई और समझ, ये नाम है, नाम फील्ड का कुछ भी रख सकते हो, सिंटैक्स यही रहेगा, डेटा टाइप सूटेबल होनी चाहिए, आपकी डेट ही आएगी। थोड़ा सा पेपर रखता है, ये काम करते हैं, इस पेपर को फिलहाल मैं यहीं पे रोकता हूँ, ये बाकी जो रिमेनिंग पेपर ये कल सुबह कर लेता हूँ।